क्या है इंदौर की 56 दुकान की खासियत जहां अचानक पहुंचे राहुल। मध्य प्रदेश के इंदौर में कल राहुल गांधी ने रोड शो किया। इसके बाद रात में वो कांग्रेसी नेताओं के साथ शहर के जायकों को चखने मशहूर 56 दुकान पहुंचे। यहां राहुल ने पाव भाजी, हॉट डॉग, मक्के की रोटी, सरसों का साग, चिली पनीर सहित अन्य कई व्यंजनों का स्वाद चखा। 56 दुकान पर राहुल के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, जीतू पटवारी सहित अन्य कांग्रेस के नेता मौजूद थे। राहुल से मिलने 56 दुकान पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। दुकानदार भी उन्हें अपने बीच पाकर काफी खुश हुए। क्या है 56 दुकान? इंदौर की वो जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि यदि आप इंदौर आए और 56 दुकान गए तो आप इंदौर का स्वाद चखने बार बार आएंगे। दरअसल इंदौर की 56 दुकान खाने पीने के शौकीनों की पसंदीदा जगह है। यहाँ कुल 56 दुकानें हैं और वो भी सारी खाने पीने की। यहाँ आप वेजिटेरियन से लेकर नॉन वेजिटेरियन हर तरह की डिशेज चख सकते हैं। बता दें कि राहुल गांधी का रोड शो इंदौर के 3 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरा। वो बड़ा गणपति चौराहा के पास से अपने वाहन पर सवार हुए। फिर उनका काफिला टोरी कोना, लोहार पट्टी और जवाहर मार्ग से गुजरते हुए राजबाड़ा पहुंचा। इस दौरान कई स्थानों पर हर हर महादेव के नारे भी लगाए गए। राहुल ने टोरी कोना पर नुक्कड़ सभा को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा, क्या इंदौर के दुकानदारों को गब्बर सिंह टैक्स GST से फायदा हुआ? तो लोगों ने कहा नहीं। इसके बाद राहुल ने चौकीदार चोर है के नारे लगवाए।